अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सनिया रफीक। आई एम हेयर टू टीच यू केमिस्ट्री। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलेकुलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि मैटर की 2 फॉर्म्स हैं, इम्प्योर फॉर्म को मिक्सचर जबकि प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहा जाता है। अब जो सब्सटेंस है ये या तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट से मिलकर बना होता है। अगर तो वो एटम से मिलकर बना है सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस एटम से मिलकर बना है तो उसके मास को जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है तो उसके मास को जब हम ग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको ग्राम मोलेकुलर मास कहेंगे। और अगर सब्सटेंस फॉर्मूला यूनिट से मिलकर बना है तो उसके मास को जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको ग्राम फॉर्मूला यूनिट कहा जाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड किया गया है, ग्राम्स में जाहिर किया गया है, तो उसको क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। और एग्जांपल हम क्या लेंगे? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर तो हाइड्रोजन का मास हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो 1.008 ग्राम्स है तो वो किसके इक्वल होगा? ग्राम एटॉमिक मास के। और इसको हम 1 मोल भी कंसीडर कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ग्राम मोलेकुलर मास। ग्राम मोलेकुलर मास क्या होता है? द मोलेकुलर मास ऑफ कंपाउंड। ये हम किसके लिए यूज करते हैं? मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए। अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मोलेकुलर मास ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? ग्राम मोलेकुलर मास। द मोलेकुलर मास ऑफ द कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। और इसकी एग्जांपल क्या होगी? हमने एग्जांपल किसकी लेनी है? पहले हमने एलिमेंट की एग्जांपल ली थी, दैट इज हाइड्रोजन। अब हमने मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेनी है या कंपाउंड की एग्जांपल लेनी है, दैट इज वाटर। 1 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मास कितना होता है? 18 ग्राम्स। 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, 18 ग्राम्स। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल का जो मास है उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम मोलेकुलर मास। और ये भी किसके इक्वल कंसीडर किया जाता है? 1 मोल के इक्वल। नेक्स्ट इज ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है? कि अगर हम आयनिक कंपाउंड्स या फॉर्मूला यूनिट को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, द फॉर्मूला मास ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट भी कहते हैं, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर इसके मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? ग्राम फॉर्मूला मास। और इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल होगी 1 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। अगर हम इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं इसके मास को, दैट इज 58.5 ग्राम, तो ये भी किसके इक्वल होगा? 1 मोल के। और इसके मास को हम क्या कहेंगे? ग्राम फॉर्मूला मास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर एंड बोथ ऑफ दीज आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। इन दोनों को स्टडी करने से पहले हम उसी कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट। जो सब्सटेंस है वो या तो एटम से मिलकर बना होता है या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है या फॉर्मूला यूनिट से मिलकर बना होता है। अब इसमें जो एलिमेंट है किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। लेकिन उसमें कितने एटम्स हैं हमें ये नहीं पता। इसी तरह अगर हम 1 ग्लास ऑफ वाटर की बात करते हैं तो उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये हमें नहीं पता। और इसी तरह अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट में कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं हमें इस चीज का नहीं आइडिया। The counting of these particles is not possible for us. तो जो एवोगैड्रो साइंटिस्ट था उसने क्या किया कि ये कॉन्सेप्ट दिया एवोगैड्रोस नंबर का और हमें फैसिलिटेट किया कि हम किस तरह से इन कॉम्पोनेंट्स की या इन पार्टिकल्स की काउंटिंग कर सकते हैं। एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने एक टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया जिसको एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। और इसमें कितने नंबर्स मौजूद होते हैं? 6.02 × 10⁻²³। अगर किसी भी सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला यूनिट मौजूद हों तो उसको क्या कहा जाता है? उसको 1 मोल के इक्वल कंसीडर किया जाता है।
तो एवोगैड्रोस नंबर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10^23 नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स। यानी अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कंपाउंड है तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर कोई भी फॉर्मूला मास है तो उसमें कितने फॉर्मूला यूनिट्स मौजूद हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इस वैल्यू पे, 6.02 × 10^23। ये हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है कि हम इसको काउंट कर सकते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट में एटम्स मौजूद हैं तो वो 6.02 × 10^23 के इक्वल है। अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो इसके इक्वल है, और अगर फॉर्मूला यूनिट है तो वो इसके इक्वल है। एवोगैड्रोस नंबर को किस रिप्रेजेंट किया जाता है? Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज इक्वेलेंट टू द 1 मोल, और ये 1 मोल के इक्वल होता है। अब हमारा मोल वाला टॉपिक भी इसमें कवर हो रहा है। देखें, जैसे इसकी एग्जांपल है 6.02 × 10^23 नंबर ऑफ कार्बन। अब ये एलिमेंट है तो इसमें कार्बन एटम्स की बात हो रही है। अगर इतने कार्बन एटम्स मौजूद होंगे तो वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह हम वाटर मॉलिक्यूल में बात करते हैं। वाटर एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड में अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल के। और NaCl क्या है? दिस इज अ फॉर्मूला यूनिट, और इस फॉर्मूला यूनिट में कितने पार्टिकल्स हैं हमारे पास, या कितने फॉर्मूला यूनिट हैं NaCl के, तो वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा। इसके लिए भी वही कंसेप्ट है। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं? द मास ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 × 10^23 पार्टिकल्स। अगर किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एटम का, या किसी भी फॉर्मूला यूनिट का जो मास है वो 6.02 × 10^23 पार्टिकल्स के इक्वल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 मोल कंसिडर करेंगे। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? MOL, मोल से। दिस इज ऑल अबाउट द ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलेकुलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।